हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे कल लोक शिक्षण संचालय से एक आदेश जारी हुआ है, जहां पर वर्ग 3 बीएड नियुक्ति का आदेश जो है वो जारी किया गया है और उसमें एक डेट दी गई है। उस डेट के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग निरस्त की जा रही है दोस्तों। और वो निरस्त के जो आदेश हैं वो भी विभिन्न जिलों से जारी होने लगे हैं। आज वो आदेश भी हम समझने का प्रयास करेंगे, साथ में कितने लोगों की जो है नियुक्ति रद्द हो रही वो भी हम इसमें जानेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों, ये आदेश है 29/8/2024 का, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से जारी किया गया। इस आदेश को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कितने लोगों की नियुक्ति निरस्त की जा रही है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अब बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक, यानी वर्ग 3 नियुक्ति होगी निरस्त। विभाग ने दिए 10 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश, यानी 10 अगस्त 2023 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति यहाँ पर निरस्त की जा रही है दोस्तों, जो कि कल एक आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे पूरी अपडेट, तो स्कूल शिक्षा विभाग में बीएड डिग्रीधारी युवा अब प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। यही नहीं, 10 अगस्त 2023 के बाद जिन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जबलपुर के निर्णय का हवाला देते हुए 11 अगस्त 2023 और इसके बाद नियुक्ति बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया। 11 अगस्त 2023 को 584 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश हुए थे जारी। अब यहाँ पर आप देखें तो 11 अगस्त 2023 को 584 शिक्षकों की नियुक्ति आदेश हुए थे जारी। डीपीआई द्वारा 10 अगस्त 2023 को 5617 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। इसमें से 2784 बीएड डिग्रीधारी थे, हालांकि ये इस आदेश के प्रभावित नहीं होंगे। इसके दूसरे ही दिन 11 अगस्त को डीपीआई ने 8 जिलों में 584 शिक्षकों को फिर से नियुक्ति आदेश निकाले। इनमें बीएड डिग्रीधारी कितने शिक्षक हैं उनका परीक्षण डीओ द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 584 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर जो है सीधा सीधा असर पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें बीएड के स्थान पर डीएड लिखा गया है तो उनकी भी नियुक्ति होगी निरस्त। आदेश में कहा गया कि नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों की व्यवसायिक योग्यता को जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। यदि सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी भी नियुक्ति निरस्त की जाए। यह कार्रवाई 1 सप्ताह में पूर्ण कर सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पालन प्रतिवेदन डीपीआई को भेजना है, यानी 1 सप्ताह में यह कार्रवाई पूरी करना है। तो यहाँ पर जो है 584 शिक्षक जो है भार हो सकते हैं इस आदेश के अनुसार, और ऐसे आदेश अब जारी भी होने लगे हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये आदेश देख रहे हैं दोस्तों, जो कि जारी हो चुका है, और ये नियुक्ति निरस्त के संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे तो आदेश क्रमांक भी दिया गया है, फिर साथ में जो नाम है वो भी दिया गया है, कहाँ पर नियुक्ति हुई है वो भी दिया गया है, डाइस कोड वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। अब यहाँ पर आगे इन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/8/2023 को प्राथमिक शिक्षक नियोजन बीएड योग्यताधारी एवं संबंध में एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को निरस्त किया। इस पर प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रशिक्षण योग्यता बीएड मान्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 के अंतर्गत नियुक्ति बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/4/2024 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 में दिनांक 10/8/2023 तक नियुक्ति बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद की नियुक्ति को मान्य किया गया तथा नियमानुसार दिए गए निर्देश के उक्त निर्णय के अनुक्रम में आपकी प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण किया गया। आपकी प्रशिक्षण योग्यता बीएड है तथा आपकी नियुक्ति दिनांक 6/10/2023 को हुई है, यानी 6/10/2023 को इनकी नियुक्ति हुई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद पर आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रखी जा सकती, अतः द्वारा आपकी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यालय शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आदेश जारी हुआ है और विभिन्न जिलों से इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर निरस्त की जा रही है। जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। बहरहाल दोस्तों, 584 जो शिक्षक हैं वो इस आदेश में आ रहे हैं और उनकी संबंध में जो है विभिन्न जिलों से आदेश जारी किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। लेकिन जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जॉब बनी रहेगी, उनकी जॉब पर कोई खतरा नहीं है। बीएड वर्सेस डीएड या डीएलएड से संबंधित और कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।